हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट। ये सीआरपीसी में सेक्शन जो 2R है उसमें डिफाइन है पुलिस रिपोर्ट। तो हम थोड़ा पुलिस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और सेक्शन 173 क्लॉज 2 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? तो जो सेक्शन 2R है सीआरपीसी का, तो उधर पुलिस रिपोर्ट डिफाइन है। तो पुलिस रिपोर्ट क्या होती है वो हम देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2R ऑफ द कोड, कोड मींस सीआरपीसी, प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट। It states that police report means a report forwarded by police to a magistrate under section 173 clause 2. इसमें ये सिंपली बोल रहा है जो पुलिस होती है वो एक रिपोर्ट तैयार करती है कोई भी ऑफेंस होता है तो वो जो रिपोर्ट है वो क्या करती है, मैजिस्ट्रेट को देती है कि इस ऑफेंस में ये हुआ वो हुआ जो भी हुआ वो मैजिस्ट्रेट को देगी। तो अब पुलिस को चेक करने के लिए भी कोई होता ही है, तो वो कौन चेक करता है, मैजिस्ट्रेट चेक करता है कि पुलिस ने क्या रिपोर्ट करी, इस ऑफेंस में इन्होंने क्या करा, क्या इन्वेस्टिगेशन करी। तो पुलिस जो अपनी रिपोर्ट बनाती है वो मैजिस्ट्रेट चेक करते हैं, तो उसी को हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 173 क्लॉज 2। सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अ रिपोर्ट स्टेटिंग द नेम ऑफ पार्टीज इन्फॉर्मेंट एंड ऑल अदर डिटेल्स ऑफ द केस along with the fact whether offense is committed or not and by whom. Such police report may either be, पहला क्या है, final report which does not disclose the commission of any offense, or charge sheet which does not disclose the commission of any offense by accused name therein. तो ये सिंपली कहता है जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है, वो फॉरवर्ड करता है जैसी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है। इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, उसने फॉरवर्ड करी रिपोर्ट, ठीक है, किसको करेगा रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट को करेगा, और इसमें क्या लिख देगा, पार्टी का नेम, अगर अननोन है तो अननोन लिख देगा, लेकिन जिसने कंप्लेंट करी है वो तो नोन होगा, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में लिखेगा, ऑफेंस के बारे में लिखेगा, जो ऑफेंस हुआ है या कमिटेड हुआ है वो जितनी भी डिटेल होगी जितनी पॉसिबल होगी वो सारी लिख करके मैजिस्ट्रेट को दे देगा, ठीक है। अब ये है, अगर कोई चीज डिस्क्लोज करती है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस तो वो क्या हो जाएगी, चार्जशीट। अगर कोई चीज डिस्क्लोज करती है कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में कि कमीशन मतलब ऑफेंस जो है वो कैसे हुआ कब हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, चार्जशीट, या फिर उसे चलान भी बोलते हैं। ये हमें याद रखना है। सेकेंड, इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस के बारे में नहीं बता रही तो इसे क्या बोलेंगे, फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, और इसे क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर कैसे ऑफेंस हुआ वो नहीं बताती तो फिर उसे फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करिए, मैं उनके आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।